किसान भाइयों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो ये होने वाला है कि हम जब भी किसी भी फसल की बुवाई करते हैं या प्लांटिंग करते हैं यानी कि रोपाई करते हैं, तो रोपाई के या बुवाई के बाद हमें अपनी फसल में फर्स्ट स्प्रे यानी कि पहला स्प्रे किस चीज़ का लेना चाहिए और क्यों लेना चाहिए, उसके क्या क्या बेनिफिट देखने को मिलते हैं, और यदि हम स्प्रे नहीं लेते हैं तो क्या क्या नुकसान हमें देखने को मिल सकते हैं। तो आपने कोई भी फसल की आप रोपाई कर रहे हैं या प्लांटिंग कर रहे हैं तो हर फार्मर को ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप किसी भी वेजिटेबल क्रॉप की खेती करते हैं या बुवाई करते हैं तो उसके लिए आपको ये वीडियो कंप्लीट जरूर देखना चाहिए। वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, अच्छा ना लगे तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। देखिए, आप जो ये क्रॉप देख रहे हैं, ये जो हमारा मिर्ची की फसल है, और ये हमने 3 सितंबर को इसका प्लांटिंग किया था, उसका भी हमने अपने चैनल पर वीडियो बनाया था, आपको दिखाया था, और आज 14 सितंबर है। तो ये लगभग प्लांटिंग के बाद यानी कि रोपाई के बाद ये 10 दिन का हो चुका है जो पौधा है। तो आप देख सकते हैं अच्छे से इस्टेब्लिश हो गया है, इसकी जो रूट्स हैं वो अच्छे से इस्टेब्लिश हो गई हैं, पौधा हमारा चल पड़ा है। तो देखिए, जैसे ही हम किसी भी फसल की रोपाई करते हैं, प्लांटिंग करते हैं, तो प्लांटिंग के बाद हमें जैसे ही 10 से 15 दिन के बीच में, क्योंकि 10 से 15 दिन में क्या होता है, पौधा अच्छे से इस्टेब्लिश हो जाता है, उससे पहले हमें स्प्रे नहीं लेना चाहिए। प्लांटिंग के 10 से 15 बीच में के बीच में हमें कोई भी सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड का स्प्रे ले लेना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होगा कि सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड से इस पर जो भी सकिंग पेस्ट हैं वो हमें ऐसे दिखाई नहीं देते हैं, जो सकिंग पेस्ट हैं वो सभी के सभी कंट्रोल हो जाते हैं, और उससे फिर जो हमारा पौधा है वो एकदम हेल्दी ग्रो करेगा, बहुत तेज़ी से ग्रो करेगा। आप देखेंगे स्प्रे के बाद तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो देखिए, हम इस पर जो स्प्रे ले रहे हैं, जो हमारी क्रॉप है 11 दिन की हो गई है, तो हम इस पर इमिडाक्लोपिड 17.8% SL जो विक्टर ब्रांड नेम से है, इंसेक्टिसाइड इंडिया लिमिटेड कंपनी का, तो हम इसका स्प्रे कर रहे हैं। इसकी जो डोज हमने रखी है 0.5 ml पर लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे कर रहे हैं, यानी कि 15 लीटर के टैंक में हम 8 ml दवा डालकर हम इस क्रॉप पर स्प्रे कर रहे हैं प्लांटिंग के 11वें दिन। तो अब इससे क्या होगा कि जो भी सकिंग पेस्ट है वो कंट्रोल हो जाएंगे, कोई भी पौधा जो है एकदम स्ट्रेस से बाहर आ जाएगा, और पौधा बहुत ही तेज़ी से ग्रो करेगा, बहुत तेज़ी से आएगा पौधा। अगर हम ये स्प्रे नहीं लेते हैं तो इससे क्या होगा कि सकिंग पेस्ट का इस पर अटैक है, क्योंकि अभी हमें देखने से नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो सकिंग पेस्ट हैं वो ज़्यादातर हमें आसानी से नहीं दिखाई पड़ते हैं, बहुत छोटे आकार के कीट होते हैं। तो देखिए, हम इसका स्प्रे ले लिया है तो कीट सभी ख़त्म हो जाएंगे, और यदि हम स्प्रे नहीं लेते तो पत्तियों से वो रस चूसते रहते, इससे इसमें वायरस की समस्या भी देखने को मिल सकती थी, पौधे की जो ग्रोथ है वो अच्छे से नहीं आती। आपकी कोई भी फसल है, ये हमारी मिर्ची की है, आपकी टमाटर की फसल हो सकती है, आप बैंगन की प्लांटिंग के बाद स्प्रे ले सकते हैं, तो किसी भी वेजिटेबल क्रॉप की आप प्लांटिंग कर रहे हैं तो उसके बाद 10 से 15 दिन के बीच में प्लांटिंग के आपको एक स्प्रे ले लेना चाहिए किसी भी सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड का। आप कॉन्फिडोर का ले सकते हैं, आप थायामेथॉक्साम का ले सकते हैं जो एक्ट्रा नाम ब्रांड नेम से आता है, या और भी कोई भी सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड है जो लगभग सभी सकिंग पेस्ट पे काम करता है, जैसे थ्रिप्स, एफिड्स, वाइट फ्लाई, माइट्स। तो क्योंकि देखिए, कॉन्फिडोर क्या है, छोटी स्टेज में पौधा जो इनिशियल स्टेज है, जो अभी शुरुआती स्टेज है, इसमें माइट्स को भी ख़त्म कर देता है, लेकिन जब बड़ी क्रॉप हो जाती है तो उस समय ये माइट्स पे काम नहीं करता है। तो छोटी क्रॉप में मैंने देखा है कि हमारा जो सीडलिंग स्टेज में होता है पौधा, तो उसमें जो माइट्स को भी कंट्रोल कर देता है। तो इसलिए आपको सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड का स्प्रे ले लेना चाहिए तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। आप चाहे किसी भी फसल की डायरेक्ट बीज की बुवाई की है आपने, तो उसके बाद जब भी पौधा उगाता है और 3 पत्ती का हो जाता है, उसकी 3री पत्ती भी निकल आती है, तो उस टाइम पे आपको पहला स्प्रे इन्हीं में से जो मैंने आपको केमिकल बताया, किसी भी सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड का आपको ले लेना चाहिए, तो आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। पौधा बहुत तेज़ी से आपका ग्रो करेगा, हेल्दी ग्रो करेगा, बहुत ही अच्छी क्रॉप आपकी तेज़ी से क्रॉप आएगी। तो ये बहुत ही अच्छा रहता है इस स्टेज में। और देखिए, यदि आप ऑर्गेनिक खेती करते हैं तो ऑर्गेनिक में आप क्या कर सकते हैं, नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। नीम ऑयल का स्प्रे काफ़ी बेस्ट रहेगा। आप 1500 से 2000 ppm का नीम ऑयल ले सकते हैं, उसकी 5 से 6 ml पर लीटर पानी में मिलाकर आप स्प्रे कर सकते हैं, तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो पहला स्प्रे आपको ज़रूर ले लेना चाहिए। देखिए, पहला स्प्रे आपको जब जो मैंने आपको सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड बताया वो तब लेना है कि ये मान लीजिए आपकी फसल में इतनी बड़ी फसल है, आपकी प्लांटिंग के बाद 10 से 15 दिन की हुई है, और उसमें किसी लाडली का, जो हम रेड बीटल कहते हैं, रेड बीटल का अटैक हो गया है, या कोई इल्ली का अटैक हो गया है, बड़े कीड़े का, वो आपके पत्तों को खा रहा है, तो फिर आपको उसके लिए जो उस इंसेक्ट पर काम करता है तो उसके लिए सेपरेट स्प्रे देना है।
क्योंकि उस पर ये जो ये हमारा कॉर्नफिडोरा था एमेथॉक्सा में वो उतने अच्छे से काम नहीं करता है, उसको ख़त्म नहीं करता है। तो यदि उनका अटैक नहीं है, आपका जो फसल है आप देख रहे हैं कि आपको कोई बड़ा कीड़ा उस पर अटैक नहीं किया है, तो उस समय आपको जो पहला स्प्रे लेना है इसी इंसेक्टिसाइड का लेना है, यानी कि सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड का, थायमेथॉक्साम यानी कि एक्टारा का ले सकते हैं, कॉन्फिडोर का ले सकते हैं, तो इनमें से किसी का आप ले सकते हैं तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो किसान भाई यही थी आज की जानकारी अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, अन्य फार्मर के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुँच सके। मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।